तो गाइस आज हम लोग ने ये रास्ता निकाला है साईं दरबार जाने का। ये नया रास्ता है, किसी को नहीं मालूम, टॉप सीक्रेट रास्ता है। ठीक है गाइस, आप इस रास्ते से मत जाइएगा, बिल्कुल खराब रास्ता है। ये हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है लेकिन सीक्रेट है, जैसे आप कभी फंस जाओ तो इधर से आ सकते हैं। पुलिस वालों को चकमा देना हो तो इसी रूट पे आओ। देखो हमारे ब्लॉग में आपको सब कुछ मिलेगा, हर किसी को चकमा देना है, अपना रास्ता भी मिलेगा, कैसे आपको जाना है। कभी कानपुर आइए तो जरूर इधर जगह घूमने आइए। अब मेन रास्ते से आप लोग हर जगह गए होंगे, लेकिन जो सीक्रेट रास्ते हो ना, हर किसी को नहीं मिलता, वो हम लोग के पास है सीक्रेट। हर रास्ते में बम मिलेगा, बम बम मतलब सीक्रेट। बबलू दिख नहीं रहा मेरा, बबलू का है ये। अब आप लोग सोच रहे होगे तीन लोग बैठे, यार अपना तो अंदाज वही है, तीन लोग पिछले ब्लॉक वाला आओ काट लो चलान, काट लो चलान। हाँ लेकिन हेलमेट लगाया है, बहुत सिक्योरिटी लगी हुई थे, पुलिस वाले चलान काट रहे थे, इसलिए आज चलान नहीं काटेंगे, हम लोग काट देंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग साईं दरबार पहुँच चुके हैं और इस ब्लॉग में मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। पहले हम लोग प्रसाद कहाँ लेते हैं और इसके बाद हम लोग मंदिर का अंदर का ब्लॉग बनाएंगे। पहले हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या चढ़ाया जाता है बाबा जी को। ठीक है, साईं दरबार में बाबा जी को क्या क्या चढ़ाया जाता है। तो गाइस ये हमारे आगे पीछे देख रहे हैं आप इतने सारे। आपका शुभ नाम बताइए। आकाश निषाद। आकाश निषाद, आप बताएंगे ये मंदिर कब बना था। 30 साल हो गए। और आपकी शॉप ये कब से लग रही है आपको। तो उसके 2 साल बाद से लगने लगी। 2 साल यानी कि बहुत पुरानी शॉप है इनकी। अच्छा 28 साल हो गए। अच्छा आप ये बताएंगे कि अंदर प्रसाद क्या क्या चढ़ता है। अंदर ये नारियल चढ़ता है और बाकी रोड़ी मछली चने जो लगे हैं ये सब चढ़ता है। अच्छा, क्या क्या रेट के हैं। 21 से लेके 501 1001 जितने का आपको चढ़ाता है उतने का मिलता है। तो गाइस आप लोग आइए इस दुकान में आइए, बहुत अच्छे हैं ये। और अब गाइस हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। अंदर जाने के लिए पहले सूस उतारते हैं। ठीक है, सूस यहाँ पर उतारे जाते हैं, देख लीजिए। बबलू सूस उतारो पहले, तब अंदर जाएंगे। मैंने तो उतार दी, मैं भी उतार लेता हूँ। बबलू के भी सूस उतर चुके हैं, हमारे भी उतर चुके हैं और मेरे हीरो के भी उतर चुके हैं। तो गाइस हम लोग अंदर चलने के लिए तैयार हो गए और उदय भैया भी हमारे ही हैं, बबलू भी हमारे हैं और हम भी हो गए, तीनों जन हो गए। तो अब ये देखिए साइड में जिसने भी तेरे कदमों पे सर को झुकाया है, मेरे शिरडी वाले बाबा तूने गले से लगाया है, ओ बाबा तेरे कदमों पे। रहे ओ अंधेरों में जैसे चिराग रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा। मेरी नैया बीच में किनारा चाहिए, इतना सहारा चाहिए अंधेरों में। You paranoid, you claim this love that you never started, you once destroyed a broken heart that was already shattered. Take us to the edge and back, holding on to what we have. You take us to the edge.
this love that you never started. You once destroyed. So guys, video kaisa laga aapko? Mast laga na? So like karo, subscribe karo, share karo and comment. और comment करना भूलना नहीं. और next video जो भी आपको चाहिए हो, जैसी भी चाहिए हो, जहाँ की भी चाहिए हो, तो बताइए, मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो वीडियो को. तो गाइस नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय. बाय गाइस.